ही गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक काफ़ी सारे पावर अप्स एंड न्यू फेनोमेना आ चुके हैं न्यू पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करते वक्त, जैसे कि एबिलिटीज, जी मूव एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। इन्हीं सब फेनोमेना में से एक था बॉन्ड एवोल्यूशन, एंड बॉन्ड एवोल्यूशन मेरी नज़र में आज भी सबसे ताकतवर एवोल्यूशन है। अब सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे हम पोकेमॉन के हिसाब से तो ऐसा नहीं कह सकते कि बॉन्ड एवोल्यूशन आज भी नंबर वन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रथा यहाँ पे काफ़ी सालों से चली आ रही है कि जैसे जैसे यहाँ पे रीजन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पे न्यू फेनोमेनाज आते रहते हैं, एंड जो न्यू फेनोमेना आते हैं वो हमेशा ही पहले वाले फेनोमेना से ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। सो इस हिसाब से अभी के लिए देखा जाए तो करेंटली यहाँ पे सबसे ताकतवर फेनोमेना एक तरह से जी मैक्स एवोल्यूशन है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ पोकेमॉन के हिसाब से, अगर हम लॉजिकली देखें तो लॉजिकली यहाँ पे आज ही बॉन्ड एवोल्यूशन के जैसा कोई एवोल्यूशन नहीं आया है। सो या गाइस, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन आज भी नंबर वन क्यों है। आज की इस वीडियो में हम बॉन्ड फिनोमेना के कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बॉन्ड फिनोमेना की पावर एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले ये बता दूं कि बॉन्ड फिनोमेना है क्या। वेल, बेसिकली ये बॉन्ड एवोल्यूशन एक तरह से एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसमें यहाँ पे ट्रेनर एंड पोकेमॉन दोनों ही एक दूसरे से मेंटली फ्यूज हो जाते हैं। मतलब एक तरह से अगर यहाँ पे पोकेमॉन को बैटल में चोट लगती है तो उतनी ही चोट यहाँ पे ट्रेनर को भी लगेगी, एंड ये फिनोमेना तभी हासिल किया जा सकता है जब ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के बीच का बॉन्ड बिल्कुल पीक पे हो। एंड बॉन्ड फिनोमेना एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे यूनिक फिनोमेना है, या फिर तुम इसे सबसे रेयर भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये हर एक पोकेमॉन के साथ नहीं होता, बस कुछ ही पोकेमॉन इसे अचीव कर पाते हैं। पोकेमॉन एनिमे के अंदर अभी तक तो बस ग्रेनिंजा ही इस फिनोमेना को अचीव कर पाया, बट हमें फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकता। फ्यूचर में हो सकता है कि कोई और ऐसा पोकेमॉन आ जाए जो फिर से यहाँ पे बॉन्ड फिनोमेना अचीव कर ले। अब ये तो था बॉन्ड एवोल्यूशन का एक छोटा सा इन्फो कि असल में यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन है क्या। अब अगर हम बात करें कि आखिर यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन आज भी नंबर वन क्यों है, तो यहाँ पे बेसिकली इसके मैंने तीन रीजंस ढूंढ के निकाले हैं कि आखिर बॉन्ड एवोल्यूशन आज भी यहाँ पे नंबर वन क्यों रह सकता है लॉजिकली। सबसे पहला रीज़न है लिमिटलेस अटैक स्ट्रेंथ। अब देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन में अटैक स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं रहती है। आई मीन, अगर तुमने मेगा एवोल्यूशन देखा है तो मेगा एवोल्यूशन में भले ही यहाँ पे अटैक की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट ऐसा हमें कभी नहीं दिखाया गया है कि पूरा ही अटैक एकदम चेंज हो गया एंड उसकी पावर यहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ गई हो, वो पहले की तरह रहा ही ना हो। बेसिकली यहाँ पे मेगा एवोल्यूशन में भी अटैक ऑलमोस्ट हर बार लगभग सेम ही लेवल का रहता है, बस थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो सकती है, या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करो तो हो सकता है कि तुम्हारा वो अटैक यहाँ पे चैंपियन लेवल तक चल जाए, बट उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन जो बॉन्ड फिनोमेना है वो एक तरह से बहुत ही कम समय में तुम्हारी अटैक स्ट्रेंथ को पीक पे पहुंचा सकता है। अब इसे तुम यहाँ पे एक तरह से इन्फर्निप की ब्लेज एबिलिटी की तरह मान सकते हो। अगर तुम्हें याद हो तो इन्फर्निप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी को दो बार यूज़ किया है, एक बार लक्सरे के खिलाफ और दूसरी बार इलेक्टिवार के खिलाफ। अब लक्सरे के खिलाफ जो फ्लेम थ्रोर उसने मारा था वो तुम देख सकते हो कि ये फ्लेम थ्रोर बस इतना ही पावरफुल था, लेकिन इलेक्टिवार के खिलाफ जो फ्लेम थ्रोर मारा था वो एक तरह से सुपर पावरफुल ब्लास्ट की तरह लग रहा था, एंड ये वाला फ्लेम थ्रोर लिटरली इस वाले फ्लेम थ्रोर से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। बट हाँ, इन्फर्निप की ब्लेज एबिलिटी कुछ हद तक यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन की तरह अटैक स्ट्रेंथ दे सकती है, बट हाँ वो बॉन्ड एवोल्यूशन के लेवल की नहीं है। लाइक तुम देख ही सकते हो, ये वाटर शुरिकन उस टाइम का है जब यहाँ पे ग्रेनिंजा ने गार्डिवोर से बैटल की थी, एंड जब वो पहली बार बॉन्ड फिनोमेना में अपनी फुल पावर में आया था, एंड ये वाला वाटर शुरिकन यहाँ पे मेगा सेप्टाइल से लड़ने वक्त उसने बनाया था। इसे तुम एक तरह से मैसिव वाटर शुरिकन भी कह सकते हो, एंड यहाँ पे मैसिव वाटर शुरिकन बनाए हुए ग्रेनिंजा को थोड़ा ही समय हुआ था कि अगली बैटल में उसने एक अल्टीमेट वाटर शुरिकन बना दिया, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल वाटर शुरिकन रहा है पूरे एनिमे के अंदर। एंड ये वाला वाटर शुरिकन अलान की चार्जर के ब्लास्ट बन जितना ताकतवर था। अब अगर तुम यहाँ पे ठीक से देखो तो पोकेमॉन वर्ल्ड में तुम्हें ढूंढने पर यहाँ पे कोई ऐसा अटैक मिल सकता है जो कि अलान के चार्जर के ब्लास्ट बर्न के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में बस ऐसे गिने चुने अटैक्स ही हैं जो कि अलान के चार्जर के ब्लास्ट बर्न के इक्वल हैं या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, और उन अटैक्स को भी उस लेवल तक पहुंचने के लिए या फिर उससे आगे निकलने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। बट बॉन्ड फिनोमेना ने लिटरली यहाँ पे बस कुछ एपिसोड्स के अंदर ही ग्रेनिंजा के अटैक स्ट्रेंथ को उतना कर दिया था कि अलान के चार्जर के ब्लास्ट बन के जितना पावरफुल अटैक मार पाया था। एंड ना सिर्फ वाटर शुरिकन बल्कि बाकी अटैक्स को भी ले लो, ग्रेनिंजा कट अटैक एंड एरियलेस। अब ये सुनने में तो काफ़ी कमज़ोर अटैक्स लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कमज़ोर है भी, कमज़ोर नहीं है, यूज़फुल हैं, लेकिन उतने हाई लेवल के नहीं हैं। लेकिन बॉन्ड फिनोमेना के कारण यहाँ पे ग्रेनिंजा के अटैक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अपने कट अटैक्स से यहाँ पे अलान के चार्जर्ड के ड्रैगन क्लॉ को रोक पाया था, वो भी उस समय जब अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स अपनी फुल पोटेंशियल पे था। और तो और यहाँ पे ग्रेनिंजा ने ना सिर्फ इसके ड्रैगन क्लॉ को अपने कट अटैक से रोका है, बल्कि यहाँ पे एरियलिस अटैक से तो कुछ हद तक यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ को ओवरपावर भी कर दिया था। ओवरपावर नहीं, बट हाँ ड्रैगन क्लॉ को एक तरह से पुश बैक जरूर दे दिया था। एंड अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि वही चार्जर्ड है जिसने अपनी एक ही ड्रैगन क्लॉ से ज़ायगार्ड तक को नीचे गिराया है। एंड कमाल की बात तो ये है कि ये भी यहाँ पे बस अचानक से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने इसके पहले की बैटल देखी है लाइक मेगा सेप्टाइल से जो बैटल यहाँ पे ग्रेनिंजा ने लड़ी थी, उस बैटल में यहाँ पे ग्रेनिंजा कट अटैक एक तरह से मेगा सेप्टाइल के लीफ ब्लेड को भी यहाँ पे ओवरपावर नहीं कर पाया था, एक तरह से वो यहाँ पे डोमिनेट हो रहा था। लेकिन अगली ही बैटल में इसका कट अटैक इतना पावरफुल हो गया कि अलान के चार्जर्ड के ड्रैगन क्लॉ तक को रोक पाया था। तो हाँ, बॉन्ड फिनोमेना की तुम ये एक खासियत मान सकते हो जो कि तुम्हें किसी और फिनोमेना में नहीं देखने को मिलेगी, कि
कि ये काफी कम टाइम में किसी पोकेमोन के अटैक स्ट्रेंथ को अलग ही लेवल पे पहुंचा सकता है। अब जो दूसरी पावर है जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन को सबसे अलग एंड सबसे खास बनाती है वो है लिमिटलेस बूस्ट अप इन पावर। अब तुम यहाँ पे कोई भी अलग सा फिनोमेना ले लो, मेगा एवोल्यूशन, जी मैक्स, डायनामैक्स, कोई भी, सभी की पावर एक तरह से लिमिटेड है। बट बॉन्ड एवोल्यूशन एक तरह से एक इकलौता फिनोमेना है जिसकी पावर लिमिटलेस है। इसकी पावर जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है। जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेनर एंड पोकेमोन के बीच का बॉन्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर एग्जांपल के साथ समझाओ तो तुम दोबारा से उस ग्रेनिंजा को ही ले सकते हो जो कि यहाँ पे एलान के मेगा चार्जार्ड एक्स से फाइनल बैटल में लड़ा था। अब देखा जाए तो यहाँ पे उस बैटल को देख के काफी लोग इस बात से शॉक हो गए थे कि यहाँ पे एलान का चार्जार्ड नहीं गिरा बल्कि ग्रेनिंजा गिर गया। लेकिन अगर सही कहूँ तो मैं इस बात से शॉक नहीं हुआ था, मुझे ज़्यादा बड़ा शॉक इस बात से लगा था कि यहाँ पे एलान का चार्जार्ड नीचे गिरने वाला था। क्योंकि अब देखो मैं यहाँ पे ऐश के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूँ कि यहाँ पे फाइनल बैटल के पहले अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स एंड ऐश के ऐश ग्रेनिंजा में कौन ज़्यादा ताकतवर था, तो अब अपने आप से पूछ के देखो तुम्हें कौन ज़्यादा ताकतवर लगता है। ऑब्वियसली यहाँ पे अलान का चार्जार्ड अलग ही लेवल पे था। उस समय तक ग्रेनिंजा ने यार क्या ही फीट हासिल किए थे, कीड़े मकौड़े जैसे फीट्स मत लाना कि उसने यहाँ पे अल्टारिया को वन शॉट किया, मेगा पीरियड को वन शॉट किया एंड हाफ बॉन्ड फिनोमेना यहाँ पे सॉवेयर के सेप्टाइल को वन शॉट किया। बड़े फीट्स की बात करो, अगर हम बड़े फीट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेनिंजा ने यहाँ पे फाइनल बैटल से पहले बस कुछ ही बड़े फीट्स हासिल किए थे। लाइक यहाँ पे उसने अपनी हाफ बॉन्ड फिनोमेना में एलान के मेगा चार्जार्ड एक्स को बहुत अच्छी टक्कर दी थी एंड कुछ हद तक उसे डोमिनेट भी किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे उसने मेगा एबोमस्नो को भी हराया है और तो और यहाँ पे मेगा सेप्टाइल को भी हरा दिया था। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पे ग्रेनिंजा ने फाइनल बैटल के पहले कोई ही फीट हासिल किया था। लेकिन वहीं बात करें अगर अलान के चार्जार्ड की, तो अलान का चार्जार्ड यहाँ पे मेगा एब्सोल को हरा चुका था, मेगा गार्चोम को दो बार हरा चुका था, 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को लगातार हरा चुका था जिसमें एलीट 4 का एस पोकेमोन मेगा हाउंडूम भी शामिल था, स्टीवन के मेटाक्रॉस को बराबर की टक्कर दे चुका था और तो यहाँ पे कुछ लेजेंडरी पोकेमोन्स लाइक मेगा रिक्वीजा, प्राइमल ग्राउडन एंड ज़ायगार्ड से बैटल कर चुका था। एंड ज़ायगार्ड से बैटल करने वक्त तो यहाँ पे उसने कमाल ही कर दिया, जहाँ पर उसने उसका लैंड्स रैथ एंड एक्सट्रीम स्पीड दोनों ही अटैक सह लिए थे एंड अपने एक ही ड्रैगन क्लॉ से उसे नीचे भी गिरा दिया था। एंड प्राइमल ग्राउडन से बैटल करते वक्त उसने यहाँ पे अपनी ड्रैगन क्लॉ से प्रेसिपिस ब्लेड को बीच से काट के रख दिया था और तो पहले भी यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा को दो बार हरा चुका था। तो अब बताओ ज़्यादा ताकतवर कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पे एलान का चार्जार्ड ऐश ग्रेनिंजा से फाइनल बैटल के पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मेरे हिसाब से शायद वो ऐश ग्रेनिंजा से यहाँ पे दो गुना ज़्यादा ताकतवर था फाइनल बैटल से पहले। लेकिन बस दो तीन एपिसोड्स के अंदर ही ऐश ग्रेनिंजा की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो एलान के चार्जार्ड को यहाँ पे पूरी तरह से 90-95% तक मैच कर पाया था। जिसका मतलब है कि बॉन्ड एवोल्यूशन ने ऐश ग्रेनिंजा की पावर को बस दो तीन एपिसोड्स के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल कर दिया था, जिसके कारण ना सिर्फ यहाँ पे एलान के चार्जार्ड को पूरी तरह से मैच कर पाया बल्कि उसे ऑलमोस्ट डिफीट भी कर पाया था। अगर ऐश ग्रेनिंजा के अलावा देखा जाए तो अगर हम सीबोल्ड के ब्लास्टोइस को एक्सक्लूड कर दें तो पोकेमोन एनिमे के अंदर ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जो आज तक कभी एलान के चार्जार्ड की 50% एचपी गिरा पाया हो। बट ग्रेनिंजा पूरे कालोस लीग का इकलौता पोकेमोन था जिसने यहाँ पे एलान के चार्जार्ड की 90-95% एचपी गिरा दी थी। तो हाँ, ये भी एक खासियत है बॉन्ड एवोल्यूशन की कि तुम्हारी पावर को यहाँ पे काफ़ी कम टाइम में अचानक से बहुत ज़्यादा बूस्टअप दे सकता है जो कि तुम्हें किसी फिनोमेना में नहीं मिलेगा। किसी फिनोमेना में भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अलान का चार्जार्ड सालों ट्रेनिंग करता रहा, पता नहीं कितनी सारी बैटल्स लड़ी तब जाके वो आज इतना ताकतवर बना है। बट ग्रेनिंजा ने यहाँ पे उसके मुकाबले काफ़ी कम बैटल लड़ी है एंड काफ़ी कम एक्सपीरियंस है उसे, लेकिन बॉन्ड एवोल्यूशन की वजह से उसकी पावर अचानक से इतनी ज़्यादा बूस्टअप हो गई कि वो अलान के चार्जार्ड को पूरी तरह से मैच कर पाया। एंड नाउ अगर हम बात करें फाइनल पावर की जो बॉन्ड एवोल्यूशन को एक तरह से नंबर वन पे रख सकती है, वो है मिस्टीरियस पावर्स। अब अगर पहले की दो पावर्स काफ़ी नहीं भी हैं बॉन्ड एवोल्यूशन को नंबर वन पे रखने के लिए, तब भी मैं इस बारे में श्योर हूँ कि ये पावर डेफिनेटली बॉन्ड एवोल्यूशन को नंबर वन पे रख सकती है। क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन में तुम्हें काफ़ी सारी मिस्टीरियस पावर्स भी मिल सकती हैं। लाइक ग्रेनिंजा यहाँ पे कालूस के एंड तक आते आते काफ़ी सारी पावर्स हासिल कर चुका था। वो चीज़ों के आर पार देख सकता था, नेगेटिव वाइंस को लोकेट कर सकता था और तो और मेगा एवोल्यूशन की एनर्जी को ओवर पावर भी कर सकता था। तो ऐसे करके यहाँ पे ग्रेनिंजा के पास अंत में काफ़ी सारी पावर्स आ गई थी एंड मैं बैट लगा के कह सकता हूँ कि ऐसी पावर्स तुम्हें किसी फिनोमेना में नहीं देखने को मिलेगी, इवन जी मैक्स में भी नहीं। जी मैक्स में भी यहाँ पे बस पावर बूस्ट अप होती है एंड अटैक स्ट्रेंथ बढ़ते हैं या फिर ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, बट कहीं मिस्टीरियस पावर्स नहीं मिलती हैं। एंड जी मैक्स क्या इवन किसी भी फिनोमेना में मिस्टीरियस पावर्स नहीं मिलती हैं, बस बॉन्ड एवोल्यूशन ही एक इकलौता फिनोमेना है जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग मिस्टीरियस पावर्स मिल सकती हैं। तो हाँ, अगर पहले की दो पावर्स काफ़ी नहीं भी हैं तब भी इस पावर के साथ आई एम प्रेटी श्योर कि बॉन्ड एवोल्यूशन नंबर वन पे रहेगा ही। फिलहाल के लिए लॉजिकली देखा जाए तो आई डोंट थिंक बॉन्ड एवोल्यूशन को इस पावर के साथ कोई मात दे सकता है, क्योंकि बाकी सारे फिनोमेनाज यहाँ पे ओवरऑल बस पावर में ही बूस्ट अप लाते हैं, लेकिन बॉन्ड एवोल्यूशन एक तरह से मिस्टीरियस पावर्स भी दे सकता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आज भी यहाँ पे बॉन्ड एवोल्यूशन नंबर वन है। वेल गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कोई ऐसा एवोल्यूशन है जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन को मात दे सकता है, या फिर आप भी मेरी ही तरह सोचते हैं, क्या आपकी नज़र में ही बॉन्ड एवोल्यूशन नंबर वन है या नहीं। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमोन के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।